हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूटी एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग देखो सांडिक का पोर्शन पूरा पूरा वन सॉडेड करने वाले हैं और ये एक बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल लेके आता है ठीक है तो हर एक चीज़ देखेंगे ठीक है ऐसा नहीं है मैं कोई क्वेश्चन या कोई एक्सरसाइज आपकी छोड़ दूंगा हर एक चीज़ सिर्फ इसी वीडियो में आपको टोटली देखने को मिल जाएगी ठीक है पूरा चैप्टर हम लोग इसी वीडियो में सिर्फ वन सॉडेड कर देंगे ठीक है भाई चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके खैर मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूं कि हमने तीन चैप्टर्स के वन शॉर्टेड बना दिए हैं यानी चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू एंड चैप्टर नंबर थ्री के आपके वन शॉर्टेड आ चुके हैं सो आप उनको भी देख लो मैं पूरी की पूरी प्ले की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा ठीक है जी चलो आज हम लोग फोर्थ चैप्टर को आपका वन शॉर्टेड करने वाले हैं तो देखो सारणिक है इसका नाम सारणिक को इंग्लिश में डिटर्मिनेट कहते हैं जी ठीक है तो देखो क्या क्या होता है पहले मैं आपको बिल्कुल जनरल से लेके चलूँगा इसमें सारणिक का भी मतलब वही होता है जो आप जैसे मैट्रिक्स बनाते थे ना वहाँ पे तो यहाँ पे सारणिक का मतलब वही होता है देखो जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स वहाँ बनाते थे तो ऐसे बनाते थे कुछ जैसे हम लोग ब्रैकेट लेते थे उसके अंदर कुछ हम नम नंबर डालते थे ठीक है जैसे कि मैंने तीन दो एक ज़ीरो ऐसा कुछ डाल दिया ठीक है कहीं इसी आव्यू को मुझे सारणिक में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा ये जो ब्रैकेट जैसे है ना इनको डंडे में कन्वर्ट कर दूँगा ठीक है खाली के स्कोल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना है आपको ठीक है डंडे टाइप में बना देना है दोनों साइड और ये थ्री टू वन जीरो ऐसी लिखो ठीक है तो ये आपका हो गया सार्डनिंग में चेंज अब अंतर क्या है दोनों में थोड़ा सा ये चीज़ें जान लो ताकि आपकी जनरल चीज़ें सही रहें ठीक है, है तो सारणिक का कोई मान नहीं होता है मतलब आव्यू का कोई मान नहीं होता है बल्कि सारणिक जो चीज़ होती है उसकी अपनी एक स्केलर वैल्यू होती है ठीक है भाई मतलब इसका कुछ ना कुछ मान आ जाएगा एक संख्या के रूप में या किसी भी चीज़ के रूप में इसका एक अपना एक मान आएगा और आव्यू का कोई मान नहीं होता है ठीक है अब देखो उसका मान निकालते कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यही सारणिक है इसका मुझे मान निकालना है तो क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके माइनस करना है बीच में ठीक है जैसे कि क्रॉस का मतलब क्या है थ्री की जीरो से टू की वन से है ना पहले थ्री की जीरो से करो तो थ्री जीरो से जीरो ही होता है ठीक है फिर हमेशा माइनस करना है बीच में ठीक है ये फॉमले में ही आता है मतलब ये मेन थिंग ही आपकी ठीक है माइनस लगाना ही लगाना है कहीं आप सारणिक को हल कर रहे हो तो ठीक है उसके बाद दो की एक से करोगे तो दो आ गया तो यहाँ पर जीरो माइनस टू या माइनस ऑफ टू बचा तो इस सारणिक का जो मान होगा ना वो आपका माइनस ऑफ टू आ जाएगा ठीक है ऐसे ही में अगली सणनिक लेता हूँ फॉर एग्जांपल फोर फाइव और वन टू ऐसे कोई ले ली मैंने ठीक है यहाँ पे मैं इसका मान निकालना चाहता हूँ सारणिक में डंडे जैसे आएंगे ध्यान देना अब आव, अभी मैं तो यहाँ पे ब्रैकेट आते थे, थे यहाँ पे डंडे जैसे आएंगे ठीक है तो इसका मान क्या होगा देखो चार दुनिया आठ आठ लिखो पहले इसकी क्रॉस करो इससे फिर ऐसे इसके हिस्से करो तो पाँच गम पाँच लेकिन बीच में माइनस का साइन आएगा हमेशा सा, पाँच एगम पाँच ठीक है आठ में से पाँच गए तीन बच्चा आपका तो इस सड़ने का मान आपका हो गया तीन ठीक है भाई ऐसी आप जैसे कि कोई भी ले लो यार मैं एक और ले, ले लेता हूँ चलो ठीक है मान लो मैंने ले लिया फाइव वन जीरो टू ऐसा कुछ ले लिया ठीक है सो so फिर वहीं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पाँच की दो से करोगे तो मान लो नहीं दस माइनस का साइन आएगा बीच में एक की जोर से करोगे तो जीरो तो टोटल ऑफ टेन आ गया देखो ये तो इस साणनी का मान टेन हो गया तो ऐसे ही सबकी एक अपनी अपनी वैल्यू होगी स्केलर वैल्यू होगी ठीक है भाई सो ऐसे आप सड़नी का मान निकाल सकते हैं ठीक है भाई अब एक नई चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ अब आप थोड़ा सा ये समझो कि कोई भी आपको एक सारणिक दे रखी है तो आप उसमें उपसारणिक और उसके सहखंड कैसे निकाल सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं अपने हिसाब से आपको लेके चल रहा हूँ आपका पूरा चैप्टर क्लियन हो जाएगा चिंता नहीं करनी है बट आप सीखते जाओ जो मैं लाइन से आपको सिखाते जा रहा हूँ ठीक है इसे चैप्टर आपका ईजी हो जाएगा आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी फॉर एक्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सारणिक लेता हूँ कि मैं थ्री बाई थ्री की लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं एक सारणिक लेता हूँ वन टू थ्री ठीक है फोर फाइव सिक्स ऐसी कोई एक मैं यहाँ पे सिंपल से ले लेता हूँ सेवन एट नाइन ठीक है यहाँ पे मैंने एक साड़ी निकली थ्री बाई थ्री की है ठीक है तो इसका मुझे मान लो सहकंड या उपसारणिक इसमें कुछ भी ऐसे फाइंड करना तो मैं क्या करूँगा ठीक है सो so आप ये नहीं कि ऐसे कह दो कि इस सारणिक का उपसारणिक क्या है या सहकंड क्या है ऐसा नहीं होता है किसी एक अवयव का मैंने कहा इसके अंदर अवयव भरे होते हैं बहुत सारे तो किसी एक अवयव का आप चाहे उपसारणिक निकाल दो चाहे सहखंड निकाल दो फॉर द एग्जाम्पल मैं सिक्स नंबर ये जो लिखा है ना यानी नंबर छः का उपसारणिक निकालना चाहता हूँ ठीक है मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि इस सारणिक में अवयव छः का उपसांडिक ज्ञात करो ठीक है एक नंबर में आया है बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में तो कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कहाँ पे है ये नंबर तो देखोगे तो आप ये दूसरी रो में तीसरा नंबर है यानी ए दूसरी रो में तीसरा नंबर है टू थ्री ठीक है ए टू ए टू थ्री तो आपका यहाँ पे सिक्स है ठीक है तो यहाँ पे ए टू थ्री ठीक है इसको पहले आपको ये भी चीज़ समझनी होगी कि उपसांडिक को इंग्लिश में माइनर कहते हैं ठीक है इसीलिए मुझे माइनर निकालना है टू ऑफ थ्री का यानी दूसरी रो में तीसरे दूसरी रो में तीसरे एलिमेंट का मुझे यहाँ पे क्या निकालना माइनर यानी उपसारणिक ठीक है एम इसीलिए डिनोट करते हैं इसे क्योंकि इस उपसारणिक को इंग्लिश में माइनर कहते हैं भाई ठीक है जी तो यहाँ पे मुझे माइनर निकालना है इसका अब मैं क्या करूँगा समझना सबसे पहले आपको क्या करना है जैसे कि सिक्स का निकालना है ना तो सिक्स में जो रो आ रही है और सिक्स में जो कॉलम आ रहा है उसको छुपा लो आराम से ठीक है मैं एक पेन की मदद लूँगा यहाँ पर ठीक है जैसे मैंने ये छुपा लिया इसकी रो जो आ रही है फिर जो सिक्स में कॉलम आ रहा है उसको भी छुपा लिया ऐसे अब जो चीज़ बच रही है वन टू सेवन एट तो वन टू सेवन एट से आप पे आपका एक सारणिक पोर्शन बन जाएगा क्या बनेगा वन टू ऊपर आएगा और ऐसे ही सेवन एट नीचे आएगा क्योंकि ये तो ऐसे छुपा पड़ा है पूरा है ना तो सेवन एट नीचे आएगा मेरे भाई ठीक है जी तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा माइनर ऑफ द डिटर्मिनेट ठीक है भाई तो ये माइनर आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करना तो मैंने बताया अभी सारणिक कैसे निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो आठ और माइनस सात दोनी चौदह ठीक है सो तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस ऑफ सिक्स बचेगा यहाँ पे आपका ठीक है जी तो यहाँ पे माइनस ऑफ सिक्स क्या हो गया अवयव छः का उपसारणिक हो गया ठीक है भाई तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो ऐसे कह देगा कि अवयव सात का निकालो तो कैसे निकालोगे तो उसको नि लिखोगे एम ऑफ क्यों माइनर निकाल हो ना तीसरी रो का पहला एलिमेंट ठीक है तो तीसरी रो का पहला एलिमेंट ठीक है जी अब तीसरी रो का पहला एलिमेंट पहले तो कॉलम को छुपाओ उसके बाद सेवन जिस अ, मतलब पहले तो रो को छुपाओ फिर कॉलम को छुपाओ उसके है ना तो सेवन एट नाइन ये इसका अ, रो हो गया और ये इसका कॉलम हो गया तो देखो टू थ्री फाइव सिक्स ये आपकी एक नई डिटर्मिनेट बन गई इसको सॉल्व करो आराम से तो टू थ्री फाइव सिक्स इसको सॉल्व करोगे यही आपका आंसर आएगा तो इसको सॉल्व करते हैं चलो देखते हैं अंबर क्या आ रहा है तो छः दो बारह माइनस पाँच थी हैं पंद्रह तो यहाँ पे आपका माइनस ऑफ थ्री बचेगा तो माइनस थ्री किसका उपसारणिक है सात अवयव का यानी अवयव नंबर सात का ये आपका उपसारणिक है ठीक है माइनस ऑफ थ्री तो ऐसे आप उपसारणिक निकाल सकते हो अब बात करते हैं सेकंड कैसे निकालते हैं अब देखो आपको कहीं सेकंड निकालना है ना कुछ नहीं करना है सहकंड निकालने में भी आपको उपसारणिक की मदद लेनी है फॉर एग्जाम्पल यही अवयव छः का आपको क्या निकालना है सहखंड निकालना है तो आप क्या करेंगे अवयव छः में जैसे कि टू और थ्री आ रहा है ना तो सबसे पहले आप माइनस और वन तो लिखेंगे ही लिखेंगे हमेशा चाहे आपको ए, सेवन के लिए सहखंड निकालना है तो जो रियल आंसर आ रहा है ना उप सहकंड उपसारणिक का ठीक है उसमें आप माइनस तो लगाएंगे इसकी जो पावर होगी ना वो थोड़ी चेंज होगी यहाँ पर ठीक है पावर क्या होंगी देखो इन दोनों को ऐड करो टू और थ्री कितना होता है फाइव होता है तो यहाँ पे पावर आ जाएगी फाइव ठीक है भाई आ रही बात समझ ऐसे ही इन दोनों को ऐड करो तो थ्री और ये फोर होता है ठीक है बस अब इसको सॉल्व करो माइनस वन की पावर फाइव कितना होगा माइनस वन ही होगा और माइनस वन की माइनस ऑफ सिक्स से होगी तो सिक्स आंसर आ जाएगा तो सेकंड क्या हो जाएगा सिक्स किसका अवि नंबर छः का ठीक है ऐसे कहीं आप अविध नंबर सात का सेकंड जानना चाहते हैं तो माइनस वन तो लगाना ही लगाना है लेकिन जो पावर होगी वो इन दोनों को ऐड करके आप लिखेंगे ठीक है भाई तो यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो फोर आ गया ठीक है माइनस की पावर फोर कितना होगा वन ही होगा देख लो भाई माइनस को चार बार लिखो यहाँ पे ठीक है सो so, माइनस को चार बार लिखोगे इससे प्लस आ गया इससे भी प्लस आ गया दोनों में क्रॉस है तो वन वन की क्रॉस करोगे तो वन ही मिलना है ठीक है जी तो यहाँ से आपको वन मिल गया तो देखो माइनस ऑफ थ्री बचा तो यानी सेवन का सेकंड क्या होगा माइनस ऑफ थ्री ठीक है सो तो आप यहाँ से सेकंड तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं कहीं आपको उपसारणिक निकालनी आती है तो ठीक है भाई एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि जैसे कि ये तो माइनर होते हैं एम से डिनोट हो गए ठीक है लेकिन जो सेकंड डिनोट करोगे इसको आप कैपिटल ऑफ ए से डिनोट करोगे है ना ये सिक्स क्या है थ्री टू का सेकंड है ठीक है ऐसे ये जो माइनस ऑफ थ्री आया है ये आपका थ्री वन का सेकंड है तो ए थ्री वन ठीक है सो ये ऐसे आप कैप्टाइस से डाउनलोड करोगे ये थोड़ा ध्यान देना और ये बहु, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ठीक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखना अब आप एक चीज़ थोड़ी सी और सीख लो फॉर द एग्जाम्पल आपको सारणनिक सिर्फ दो बाई दो में दे रखी हो तो आप ये सब कैसे निकालोगे वो थोड़ा सा देख लो भाई देखो थोड़ा सा आपको सीखने में टाइम लगेगा उसके बाद आप कर फटाफट लोगे क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पे मेरे को कोई दो बाई दो में फॉर एग्जाम्पल थ्री टू वन फोर ऐसे को दे रखी एक है, है ना सारणिक इसका मुझे कहीं मान लो उप मान लो मेरे को टू का अव्यव अव्यव टू का मेरे को निकाला उपसारणिक ठीक है मतलब दो बाई दो में दे रखी है तो क्या करेंगे वो उसको थोड़ा समझ लो ठीक है क्योंकि दो बाई दो का तो मैंने आपको बताया नहीं है ठीक है तो सारणिक ऐसे मुझे को दे रखी है कह रहा है अव्यव दो का उपसारणिक निकालो यानी अव्यव दो का ठीक है तो अवयव दो में जो मैं कहता है ना क्रॉस करो तो क्रॉस में आगे आ कौन सा रहा है चार आ रहा है ना तो इसमें जो अव्यव दो है कौन से नंबर पर पहले का पहला ही तो है पहली रो का पहला एलिमेंट यानी एम ऑफ पहले का पहला ठीक है ये कितना आएगा फोर आ जाएगा डायरेक्टली क्रॉस में जिससे करते हैं ना जैसे कि इसके साथ में जो तिरछे में लगा हुआ है फोर लगा हुआ है वन के तिरछे में थ्री लगा हुआ है थ्री के तिरछे में वन लगा है फोर के तिरछे में टू है तो जो तिरछे साइड में लगा है जैसे टू के तिरछे में फोर लगा हुआ है तो फोर इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा टू बाई टू में तो बहुत ज़्यादा सरल है ऐसे में कह दूँ कि मान लो अव्यव चार का कहा होता तो अवयव चार कौन से नंबर पर आ रहा है दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट यानी एम ऑफ टू टू ठीक है तो एम ऑफ टू टू में क्रॉस में क्या लगा इसके मतलब तिरछे में देखो टू लगाया ना इधर तो टू आंसर आ गया डायरेक्टली ठीक है सो यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं अब मैं कह दूँ एक नई सारणी के यहाँ बना दूँ मैं ऐसे वन टू जीरो वन ऐसे कुछ बना दूँ ठीक है सो यहाँ से मैं कहीं आपसे कह दूँ कि मान लो आप बता दो अवयव या इसको टू अवयव टू का कह दो मान लो मतलब दूसरे का मैं पूछ रहा हूँ तो आप दूसरे में देखोगे पहली रो में दूसरा एलिमेंट है ना पहली रो है दूसरा एलिमेंट है यानी पहली का दूसरा एलिमेंट है ठीक है सो इसके सामने क्या आ रहा है टू के तिरछे में जीरो आ रहा है ना तो इसका जीरो आंसर हो गया डायरेक्टली ठीक है भाई ऐसे ही कहीं मैं अब ये तो उपसारणिक का हो गया अब तो वो सेकंड निकाल दोगे ना देख के उपसारणिक की मदद से तुम तो निकालते हैं सेकंड सेकंड में क्या करेंगे यही आंसर लेंगे बस यहाँ पे माइनस ऑफ वन की पावर जैसे वन वन है ना तो टू हो गया इससे डिनोट इससे गुणा कर देंगे इसमें खाली ठीक है सो माइनस ऑफ वन की पावर टू वन ही होगा तो फोर ही आंसर आ जाएगा ऐसे ही टू टू फोर होगा तो वहाँ भी टू ही आ जाएगा ठीक है जहाँ माइनस ऑफ कर्म आ गई विषम नंबर से कहीं माइनस वन की पावर में विषम नंबर लगा तो आप माइनस से गुणा कर दोगे नहीं तो फिर वही आंसर हो जाता है जो उपसारणिक होता है वही सेकंड हो जाता है ठीक है ऐसा हो कहीं माइनस वन तो आपने लगाया लेकिन जो पावर में ऊपर आ रहा है वो कुछ विषम आ गया ठीक है तो आप जो रियल आंसर था ना आपका उपसारणिक उसमें माइनस लगा देना है एक बस काम खत्म ठीक है लेकिन कहीं माइनस ऑफ वन में कोई सम पावर आ रही है ठीक है सम का मतलब दो चार छः है ना ये सब तो आप डायरेक्टली वही आंसर लिख दोगे जो आपका उपसारणिक आया सहखंड में ठीक है भाई आ रही बात डीपली थोड़ा जाओगे तो आपको समझ में आएगी ये सारी चीज़ें लेकिन इंपॉर्टेंट है ठीक है जी अब देखो कि यहाँ आपको थ्री बाई थ्री की कोई एक सारणिक दे रखी है तो यहाँ पे आप इसका मान कैसे निकालेंगे क्योंकि मैंने आपको दो बाई दो का तो मान निकालना सिखाया है तीन बाई तीन का कैसे निकालते हैं वो थोड़ा समझना आप लोग ठीक है भाई देखो तीन बाई तीन का निकालने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है जैसे कि वन है ना तो इसमें आपको प्रसार करना होता है चाहे आप रो वन के सापेक्ष कर दो रो टू के या रो थ्री के किसी के भी सापेक्ष कर दो प्रसार करना है आपको मेन ठीक है तो यहाँ प्रसार करोगे जैसे कि रो वन यानी आर वन के सापेक्ष प्रसार करोगे ठीक है तो यहाँ पे वन को लोगे है ना एक बार प्लस लेके चलना है फिर माइनस फिर प्लस मैं बता दूंगा चलो देखो तो जैसे वन को लिया ना फिर वन में एक ब्रैकेट लगाना है ऐसे फिर वन वाली रो को और वन वाले कॉलम को छुपाना है तो रो को ऐसे छुपाया मैंने और यहाँ पे मैंने ऐसे कॉलम को छुपाया तो देखो फाइव वन वन ज़ीरो ठीक है फाइव वन वन जीरो ये बचे रहा है आपका तो इसको मतलब हल करो ठीक है सांडिक को तो देखो फाइव वन वन जीरो को कहीं मैं यहाँ पे हल करूँगा तो मेरा क्या आंसर आएगा फाइव जीरो से जीरो वन माइनस वाइन यानी जीरो माइनस वन यानी माइनस ऑफ वन आ गया ठीक है सो ब्रैकेट में माइनस ऑफ वन आ जाएगा ठीक है आगे गई सिंपल सी बात अब जैसे एक बार प्लस लिया ना अब माइनस का लो अब अगला एलिमेंट क्या है क्योंकि रो वन में आपको हर एक एलिमेंट का यूज़ करना है तो अगला एलिमेंट अब माइनस ऑफ टू आएगा ठीक है थीके? फिर एक ब्रैकेट लगाओ जैसे वन लिया था ना फिर ब्रैकेट वैसे ही अब जब सेकंड एलिमेंट ले रहे हो क्योंकि माइनस लगाना है प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा चलता रहेगा ठीक है थीके? अब माइनस लगाना है ठीक है तो माइनस ऑफ टू लिया उसके बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया अब माइनस ऑफ टू को ढको भाई इसके रो को ढको इसके कॉलम को ढको तो क्या बच रहा है जीरो जीरो या जीरो वन जीरो जीरो ठीक है तो देखो क्या बच रहा है आपके यहाँ पे जीरो जीरो वन जीरो ये आपका बन रहा है तो इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करोगे कर तो जीरो माइनस जीरो यानी जीरो बचा तो यहाँ पे ज़ीरो से गुणा हो जाएगी ठीक है ऐसी फिर आप प्लस लोगे आपकी अब की अगला एलिमेंट क्या आ रहा है जीरो आ रहा है तो यहाँ पे जीरो लोगे मतलब जीरो डायरेक्टली लोगे फिर एक ब्रैकेट लगाओगे फिर ज़ीरो वाले इसको छुपाओगे यहाँ पे ठीक है तो देखो आपका ये बचेगा तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसे देखो जीरो की वन से करोगे तो जीरो ही हो गया फिर माइनस फाइव की जीरो से करोगे तो जीरो ये भी जीरो आ गया डायरेक्टली ठीक है थीक्या? तो ये सब तो ये जीरो जीरो हो गया उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो की टू से जीरो ही जीरो की जीरो से जीरो ही तो खाली माइनस वन प्लस वन आपका माइनस वन टोटल आंसर आ जाएगा किसका इस सारणिक का मान जो आएगा ठीक है आ रही बात समझ में इसको थोड़ा समझना क्योंकि थ्री बाई थ्री में थोड़ा सा आपको लगेगा कि टर्व है बट कुछ नहीं है आर वन के सापेक्ष कर दो ऐसे ही आर टू के आर टू में क्या होगा यहाँ पे ज़ीरो लगाओगे है ना फिर ये टू वाली में इसको इसको छुपाओगे ऐसे ठीक है तो टू जीरो वन जीरो वाली बनेगी आपकी तो ये छुपाने वाला काम है यहाँ पे खाली ठीक है भाई अब एक मेन टॉपिक आता है ठीक है जो कि बोर्ड एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल लेके आता है आप एड ऑफ एक ऐसे फाइन करते हैं ठीक है बिल्कुल डीपली जाके आपको समझाऊंगा और बिल्कुल चिंता नहीं करनी एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएगा चाहे आप यूपी बोर्ड से तो आठ नंबर का है ना या यू की बोर्ड से हो तो फाइव मार्क्स का या अदर बोर्ड से हो तो लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएगा कहने का मतलब ये है ठीक है अब कैसे फाइंड करते हैं वो सब देख लो फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक सारणिक दी जाएगी ठीक है तो मैं एक सारणिक बनाता हूँ जैसे टू थ्री वन जीरो वन टू ऐसे कुछ मैंने एक सारणिक बना ली मान लो ठीक है मन से बना ली मैंने कोई भी ठीक है सो so, इस सारणिक का आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है एड ऑफ ए का मतलब ये है कि आपको ए कोई एक सारणिक दे रखी है तो इस सारणिक का एडजॉइंट निकालना है यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ठीक है क्योंकि ये सारणिक ए के बराबर है ठीक है आ रही बात समझ में तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं ये समझते हैं बिल्कुल सरल सी बात है यहाँ पर आपको सेहकंड निकालना है ठीक है सहखंड जो भाई अभी मैंने आपको सिखाया ना सहखंड कैसे निकालते हैं उपसारण की मदद से तो यहाँ पे आपको वही सहखंड निकालना है ठीक है सहकंड को मैंने कहा था ए से डिनोट करते हैं कैपिटल ए से ठीक है तो यहाँ पे आपको ए वन वन, वन निकालना है यानी वन वन मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट यानी दो के लिए सहखंड निकालना है तीन के लिए फिर सभी एलिमेंट के लिए जितने भी एलिमेंट है ना इसमें सबके लिए सहखंड निकालना है इसका मतलब क्या होगा ए टू वन के लिए भी निकालना होगा ए टू थ्री के लिए भी निकालना होगा है ना ए दूसरे का पहला है ना जीरो है ना ऐसी दूसरे का दूसरा ऐसी दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट ऐसी तीसरी रो का पहला एलिमेंट है ना तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट और तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट इन सभी के लिए मुझे सहखंड निकालने है यहाँ पे अब सहखंड निकालने के लिए उपसारणने की मदद लेनी पड़ती है और कैसे निकालते हैं मैंने आपको सब कुछ समझाया है ठीक है इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया था ये क्योंकि एड ऑफ ए में बहुत मदद मिलने वाली है अब सहखंड कैसे निकालते हैं जैसे कि दो के लिए यानी ए वन वन के लिए मुझे निकालना है तो मुझे इसको छुपाना पड़ेगा इसकी रो और इसकी कॉलम को तो इसकी ये रो छुप गई इसकी ये कॉलम छुप गई तो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन जीरो आपका यह बनेगा टोटल ठीक है तो इसकी गुणा करो है ना मतलब सारणिक का मान निकालो जैसे वन जीरो आ, मतलब वन वन नी ऐसे लिखा जीरो, जीरो जीरो ऐसे लिखा इसका मान क्या आएगा देखो वन की जीरो से करोगे जीरो है ना जीरो की वन से करोगे जीरो टोटल जीरो ही आना है चाहे माइनस कर लो जीरो माइनस जीरो जीरो ही रहेगा भाई तो मतलब जीरो आ गया टोटल यहाँ पे ठीक है अब मैंने कहा था माइनस ऑफ वन लगाओ उसके बाद पावर को ऐड करो यहाँ पे ठीक है तो कोई जरूरी जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि जीरो आ गया गुणा करोगे फिर जीरो ही आ जाएगा ठीक है तो कोई जरूरी नहीं है इसमें अगले वाले में चलते हैं दूसरे का नहीं दू... एक सेकेंड यहां पे देखो गलती हो गई पहले का दूसरा ठीक है ऐसी पहले का तीसरा ठीक है अरे बार समझा पहले का पहला पहले का दूसरा पहले का तीसरा अब पहले का दूसरा क्या है तीन ठीक है अब तीन के लिए अगर छुपाओ तो तीन का रो छुपाया तीन का कॉलम छुपाया ठीक है क्या क्या बचा जीरो जीरो टू जीरो ठीक है यानी क्या बचा जीरो जीरो टू जीरो इसका मान निकालो भाई इसका मान कैसे निकालते हैं जीरो माइनस जीरो यानी ये भी जीरो भी जीरो आ गया ऐसे ठीक है ऐसे वन थ्री के लिए निकालो तो वन थ्री का मतलब क्या है पहली रो का तीसरा एलिमेंट ठीक है तो इसको छुपाओ ऐसे कॉलम को इसकी रो को छुपाओ क्या बच रहा है जीरो वन टू वन तो जीरो की वन से करी तो जीरो हो गया माइनस का साइन लगा के टू की वन से करी तो टू हो गया तो माइनस ऑफ टू अब यहाँ पे आपको वो माइनस वन का खेल करना पड़ेगा माइनस वन लिखो उसके बाद पावर्स को ऐड करो तो वन प्लस थ्री यानी फोर ठीक है अब भाई सम पावर आ गई तो वही वही आंसर हो जाता है मैंने आपको बताया माइनस ऑफ टू ही आ जाएगा वन थ्री है ना ऐसे आप इसके लिए करोगे टू वन का ठीक है सो so ऐसे मैं सब निकाल लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो तो यहाँ पे मैंने ये सारे मान निकाल लिए हैं ठीक है भाई आप लोग भी निकाल के देखना जो जहाँ समझना है पूछ लेना ठीक है अब इनसे आपको एक सारणिक बनानी है ठीक है जैसे कि आप एक मैट्रिक्स बना लो डायरेक्टली या सारणिक बना लो ठीक है सो so, यहाँ पे आपको मतलब ये ऐसे मैं तो फॉर्म बता दिया आपको ठीक है रियलिटी में तो आपको इस आव की फॉर्म दी जाएगी कि ये यहाँ पे आपको एक आवव्यू दे रखा है तो आपको एड जॉइंट ऑफ ए निकालना है ठीक है अब ये जो आपके मांस आए हैं ना इतने सारे तो इससे आप क्या निकालोगे एक सा एक आव बनाओगे मतलब ठीक है उसको आप कुछ भी कह दो ठीक है सो so, उस आव्यू को कैसे बनाना है उसको सीखो पहले वही आवियो आपका एडवेंट ऑफ ए है ट्रेस की फॉर्म में आएगा मैं बता दूंगा कैसे सही सीखना तो जैसे ए वन वन है न पहली रो का पहला अव्यू आपका जीरो है है ना ऐसी पहली रो का दूसरा एलिमेंट जीरो है ऐसी पहली रो का तीसरा एलिमेंट माइनस ऑफ टू है अब दूसरी रो का पहला एलिमेंट दूसरी रो रोआई यहाँ पे आएगी इसका पहला एलिमेंट माइनस ऑफ वन है ऐसी आप यहाँ पे दूसरी रो में दूसरे यहाँ पे आओगे तो माइनस ऑफ टू है फिर ये फोर है फिर ये माइनस वन है फिर ये जीरो है फिर ये टू है ऐसे आपने एक ये फॉर्म बनाई ठीक है सो ये आपका आ गया एड ज्वाइंट ऑफ ए ठीक है बट ये फॉर्म आपकी टी में है टी आपने पढ़ा ना ट्रांसपोज यानी परिवर्त तो डैश भी कहते हैं कहीं कहीं टी भी कहते हैं ठीक है तो इसको आपको रियल ऑफ एड ज्वाइंट ऑफ ए कहीं आपको निकालना है रियल ऑफ एड ज्वाइंट ऑफ ए कहीं पे आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज कर दो मैट्रिक्स का ठीक है तो इस अव्यू का कहीं मैं परिवर्तित करना चाहूँ तो क्या करना है रो कॉलम्स को बदलना है तो जीरो जीरो माइनस टू और फिर माइनस वन माइनस टू फोर और माइनस वन जीरो टू ठीक है आ रही बात समझ में तो मैंने देखो ये ऐसे लेटे में थी ना इसको खड़ी खड़ी में कर दिया जीरो ज़ीरो माइनस टू ये लेटे में थी जीरो जीरो टू खड़ी में होगी ठीक है तो जो लेटे में है उसको खड़े में करते हैं मतलब रो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना है यहाँ पे तो डायरेक्टली आप एड जॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन हर साल लेके आता है ठीक है एड जॉइंट ऑफ ए से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा चाहे ए इवर्स निकालने के लिए आए चाहे एड जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप एनवर्स कैसे निकालते हैं कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है आपको ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मला होता है मेरे भाई ठीक है ए इनवर्स का फॉमूला देख लो क्या होता है वन अपॉन मॉडल्स ऑफ ए आपको निकालना है मॉडल्स का मतलब क्या होता है सारणिक है ना मतलब ए तो यह आपको आप क्या क्या व्यू फॉर्म दे रखी है इसका सारणिक निकालो ठीक है उसके बाद उसको अपॉन में ले जाओ सारणिक का मान निकाल के उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए से वहाँ पर भाग कर दो उसकी ठीक है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख गए अब उस सारणिक का मान कैसे निकालते हैं थ्री बाई थ्री के लिए मैंने आपको सिखा रखा है कैसे मान निकालते हैं ठीक है सो उसका मान निकालो और उसके बाद इसमें भागा कर दो सबके ठीक है चलो मैं इसका निकाल ही देता हूँ जब मैंने एड ऑफ ए तक निकाल ही दिया तो यहाँ पे आपको मॉडल्स ऑफ ए चाहिए मॉडलस ऑफ ए का मतलब क्या है यहाँ पे आपको ये ए दे रखा है इसका आपको यहाँ पे सारणिक बना के इसका मान निकालना है टू थ्री वन जीरो वन ज़ीरो टू वन ज़ीरो ठीक है ये दे रखा है ठीक है भाई इसका मुझे मान निकालना है तो टू मैं करूँगा पहले टू के बाद ये मेरी छुप जाएगी तो ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो ही हो गया फिर माइनस ऑफ थ्री लेना पड़ेगा सेकंड है ना उसके बाद इसको और इसको ऐसे छुपाऊंगा तो ज़ीरो और जीरो जीरो ही रहेगा अभी उसके बाद प्लस वन लेना पड़ेगा ठीक है उसके बाद प्लस वन में क्या आएगा देखो ज़ीरो एक सेकेंड माइनस टू है क्या नहीं ज़ीरो और ये माइनस ऑफ टू अब आ जाएगा ठीक है तो इसका मान देखो क्या आएगा तो ज़ीरो हो गया माइनस ज़ीरो हो गया माइनस टू हो गया माइनस ऑफ़ टू यहाँ पे आपका राइट right आंसर आएगा इसका ठीक है तो मॉडल ऑफ ए माइनस ऑफ टू आ गया तो यहाँ पे आप ए इनवर्स कहीं निकालना चाहो तो डायरेक्टली माइनस ऑफ़ टू से यहाँ पे डिवाइड कर दो तो जीरो को टू से डिवाइड करोगे तो जीरो ही रहेगा यहाँ पे माइनस ऑफ टू से कहीं माइनस ऑफ वन को करोगे तो वन बाई टू आ जाएगा यहाँ पे करोगे तो यहाँ भी वन बाई टू यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे वन क्योंकि माइनस टू अपॉन माइनस टू वन ही होगा उसके बाद जीरो यहाँ पे टू माइनस ऑफ टू से डिवाइड करना है क्योंकि मंडलस ऑफ ए अपॉन में लगा हुआ है मेरे भाई ठीक है सो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ भी वन यहाँ पे माइनस ऑफ टू यहाँ पे माइनस ऑफ वन तो ये जो आपकी एक अव्यू बना ये आपका ए इनवर्स आ गया देखो डायरेक्टली ये एक आठ नंबर का क्वेश्चन हर साल लेके आता है कि आपको एक ऐसे आव्यू देंगे कहेंगे भाई ये इनवर्स निकालो मेन फॉमूला मेरे भाई याद होना चाहिए आपको फॉमूला नहीं याद है तो कोई खेल नहीं हो पाएगा फॉमूला याद है तो सारा का सारा खेल हो जाएगा ठीक है भाई तो मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी सारी चीज़ें आपको ठीक है अब जो क्वेश्चन हैं देखो मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स क्या है ठीक है मैं यहाँ पर कैलकुलेशन रख के करूँगा क्योंकि देखो दो आपके चैप्टर्स में आपको पूरा आपको एनेटिक्स थोड़ा दिखाता हूँ आपके क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का तो सबसे ज़्यादा जो कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं आपके ठीक है कैलकुलेशन द मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन पार्ट चैप्टर इज़ अ चैप्टर नंबर थ्री एंड चैप्टर नंबर फोर ठीक है सबसे ज़्यादा तगड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे है ठीक है मतलब नंबर होंगे खेल गुणा भाग प्लस माइनस ये सब है ना सबसे ज़्यादा आपके चैप्टर नंबर थ्री और चैप्टर नंबर फोर में ठीक है और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगा पूरी बुक में चैप्टर नंबर फोर पर ठीक है ठीके? सो कैलकुलेशन यहाँ करते ही जाओ कुछ गलती हो रही है है ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है वीडियो इतनी लंबी करने का ठीक है खैर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ठीक है भाई एक पार्ट आपका छूट रहा है मैं आपको वो भी अभी करा दूँगा चिंता नहीं करनी है ठीक है चलो तो अगला पार्ट मैं बता देता हूँ कभी कभी ए इनवर्स निकालने के लिए कहता है कभी कभी ऐसे यहाँ पे आपको तीन समीकरण देगा तीन इक्वेशंस देगा और कहेगा आव्यु विधि से हल करके दिखा दो ठीक है क्या करना है मैं आपको अभी दो मिनट में बता देता हूँ ये ठीक है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन देगा लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना ठीक है भाई देखो सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर जो नंबर्स है ना कोफिशियंट हैं जैसे एक्स का क्या है तीन है वाई का क्या है दो है गुणांक है जो उनको लिखो लाइन से तो एक्स का तीन है वाई का माइनस ऑफ टू है भाई ये है ना माइनस ऑफ टू है जेड का थ्री है ठीक है उसके बाद अगला यहाँ पे क्या एक्स का टू है वाई का क्या है कुछ नहीं तो वन है ठीक है ऐसे जेड का माइनस ऑफ वन हो गया ठीक है एक्स का फोर हो गया वाई का माइनस ऑफ थ्री हो गया जेड का टू हो गया ठीक है देखो ये आपकी एक बन गई आव्यू ठीक है भाई खाली कोफ़िशियंट से अगली चीज़ क्या होगी अगली चीज़ यहाँ पे आपकी बनेगी एक और आव्यू वो जो होगी हर एक क्वेश्चन में एक्स वाई जेड बनेगी इसके साथ वाली ठीक है भाई इसके बाद इक्वल लगा के इधर भी एक आव्यू बनेगा ठीक है उनको आप डायरेक्टली नंबर से लिख सकते हो एट वन फोर ठीक है ये भी आपका एक आव्यू हुआ है ना एट वन फोर ये भी आव्यू तो देखो यहाँ से आप ऐसे ये बना देना ये फॉर्म किसकी होती है ये फॉर्म होती है ए एक्स बराबर बी की फॉर्म होती है मेरे भाई अब बस यहाँ से आपके कहेगा भाई मतलब समीकरण हल करने का मतलब क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना और एक्स वाई जेड की वैल्यू का मतलब ये है आपको ये जो आप भी दिख रहा है ना इस, इसका मान निकाल दो क्या आ रहा है ठीक है इसका मान कैसे निकाल सकते हो मतलब ये एक्से व्यक्त व्यक्त हो रही ना, हो हो है ना ये जो हुआ ये ए हो गया ये आपका एक्स हो गया कैपिटल एक्स है ना ये आपका बी हो गया तो कहीं आपको कैपिटल एक्स निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं इसको नीचे फेंक सकते हैं यानी इन्वर्स में भेज सकते हैं इधर ठीक है और बी आपका ऐसी लिखा है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है मेरे भाई इसका इन्वर्स निकाल लो उसकी गुणा बी के साथ कर दो क्योंकि ये आपकी बी मैट्रिक्स है ठीक है देखो ए एक्स बराबर बी की फॉर्म है ए एक्स बराबर बी की फॉर्म ठीक है सो so, जब आप उसकी गुणा कर दोगे इनवर्स की बी से ठीक है सो so, जो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी ठीक है वो कितनी बाई कितनी की मिलेगी थ्री बाई वन की मिलेगी और जो ये एक्स मैट्रिक्स है ये भी आपकी थ्री बाई वन की मैट्रिक्स है बस दोनों का कंपिटिशन करना है फॉर एग्जाम्पल तीन चार एक ऐसा कुछ मिल गया है ना और इधर एक्स मैट्रिक्स कौन सी है एक्स वाई जेड ठीक है और गुणा करने के बाद इतना सम निकाल के गुणा करने के बाद आपको ये मिल गया तो यहाँ से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू तीन है वाई की वैल्यू फोर है और जेड की वैल्यू वन है और यही तो निकालना होता है समीकरण हल करने का मतलब ठीक है सो तो यहाँ से आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं फॉर्म बहुत सरल होती है बस आपको इक्वेशन दी है इक्वेशन को एक्स बराबर बी के रूप में तोड़ो आपको पता है कि मैं एक्स ए, कहीं इधर लिखना चाहूँ तो एक यूनिवर्स में उधर भेजूंगा इधर हुआ क्या ये भी समझ लो एक्स बराबर बी आपको यहाँ पे आपको ने पता चल गया इस फॉर्म में है ठीक है अब एक्स बराबर क्या हो गया भाई ये इसके साथ गुणा में है तो नीचे ही आएगा ना उसके बाद ये नीचे आ गया इधर अब नीचे कोई चीज़ लिखी है फॉर एग्जाम्पल वन बाई टू है तो क्या मैं इसे टू का इन्वर्स नहीं लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ मैंने बहुत जगह पढ़ लिया है सारी चीज़ें तो ए का इन्वर्स और बी ठीक है एक्स बराबर ये आ गया देखो तो बस x का कहीं आपको मान निकालना है ये जो x अव्यू है इसको फाइंड करना है तो आपको a इनवर्स की और b की गुणा करनी है ठीक है भाई आ रही बात समझ में अब यहाँ पे आपको एक लास्ट पार्ट बचा है बिल्कुल टोटली वीडियो का जो है प्रूविंग पार्ट यानी कुछ चीज़ें आपको प्रूव करनी होती है अब वो है क्या चीज़ वो थोड़ा समझ लो मैं आपको पूरा समझा दूंगा चिंता नहीं करनी आपको बस ठीक है प्रूविंग पार्ट जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है ठीक है तो जब आप यहाँ पर आओगे ना धारण नंबर ग्यारह से यहाँ से जितने क्वेश्चन हैं आगे मैं बता दे रहा हूँ आपको एक बार उदाहरण नंबर ग्यारह से लेकर उदाहरण नंबर सोलह यानी पाँच क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे आपको ठीक है फाइव ऑफ क्वेश्चन हैं टोटल ठीक है भाई अब फाइव ऑफ क्वेश्चन मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ आप क्या हूँ मैं समझ जाऊँगा इन क्वेश्चन को ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई है ना समझने वाले बच्चे यार मैं बता रहा हूँ ना अलग चीज़ें होती हैं ठीक है जी आप ये पांच क्वेश्चन डिफरेंट पार्ट के हैं हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लग रहे हैं मेरे भाई ठीक है सो मेरी मानो है ना तो इनको कर लो कम से कम एक क्वेश्चन को तीन बार कर लो आराम से टाइम टाइम है यार एक क्वेश्चन को एक बार करने में ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा छः से सात दस मिनट लगेंगे ठीक है तो कोई बात नहीं दो दिन इन्हीं इन्हीं पाँच क्वेश्चन में दे दो दो दिन पूरे पूरे ठीक है इनको कर लो एक बार ठीक है बस अब मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे समझा दूंगा भाई ये ये यहाँ पे ऐसे हुआ पांच क्वेश्चन हैं यहाँ डिफरेंट मेथड हैं सोल्यूशन आपकी बुक में दे रखे हैं ठीक है क्यों नहीं कर रहे हो एक सौ पेज नंबर निकालो ठीक है दो दिन लगाओ एक से लेके कर एक तक ठीक है भाई दो नहीं सॉरी एक सेकेंड एक आ, क्या कहते हैं एक से लेके कर एक सौ अट्ठाईस पेज नंबर तक या एक सौ उनतीस पेज नंबर तक एक सौ पच्चीस से लेके कर एक सौ उनतीस पेज नंबर तक ये जो चार पेज हैं आपके इनको आप दो दिन पूरे दे दो कह दो भाई तुम ही चार पेज को पढ़ूंगा मैं आराम से लेकिन पूरा कर दूंगा ठीक है बस ये पांच क्वेश्चन कवर कर लो मेरे भाई ठीक है इन्हीं में से एक मिल जाता है हर साल ठीक है और कोई नहीं है खैर हम लोग सीरीज लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उनमें सब कुछ बताऊँगा और इन पाँच क्वेश्चन से इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है जो कि कुछ नहीं है ठीक है अब मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ भाई है ना क्योंकि समझने वाली चीज़ें हैं ही नहीं इस क्वेश्चन में है ना कहोगे सर ये कैसे आया भाई सब चीज़ें सिखाई हैं प्रसार कैसे करते हैं ठीक है रो कॉलम को कैसे इंटरचेंजिंग करते हैं सारी चीज़ें तो अभी सिखाई हैं तो उसमें पूछने वाली बात ही नहीं है कोई ठीक है करना खुद ही कोई क्वेश्चन ना है समझ में पूछ लेना मेरे से ठीक है भाई खैर मैं फिर से कह रहा हूँ पाँच क्वेश्चन मेटली कर लेना कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा साथ में आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ठीक है एक और लास्ट पार्ट जिसका बच रहा था एरिया फाइंड करने का त्रिभुज का एरिया होता है चतुर्भुज का एरिया होता है खैर वो पार्ट पूरी तरीके से हटा दिया एन से ठीक है पहले लोग पढ़ते थे अब नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है सो so, उसको मत पढ़ना कोई बात नहीं ठीक है सो so, ये सारी चीज़ें हैं इनको कर लेना और इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जितना मैंने आपको बताया उनके रिलेटेड क्वेश्चन कर लो और इतनी अच्छी विधि से और कोई नहीं समझाएगा भाई ठीक है मेरे को डीपली जाके समझाता हूँ हर एक चीज़ को सो तीन वन शॉट आ गए चौथा ये है और आ जाएंगे धीरे धीरे करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप सभी लोग और लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट की वहाँ से आप जाके हर एक वीडियो वॉच कर सकते हैं ठीक है जी धन्यवाद